हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल TNK में। आज हम दोस्तों सीखेंगे कि डीसी मोटर कंट्रोलर किस तरीके से बनाना है। डीसी मोटर कंट्रोलर बनाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ये लिस्ट में दी हुई है। सर्किट बोर्ड पर हम चार साइड इस प्रकार से होल कर देंगे। ये होल हम स्टैंड बनाने के लिए कर रहे हैं। सर्किट बोर्ड का स्टैंड इस तरीके से हम बनाएंगे चार होल करके। इसमें चारों साइड में चार स्क्रू लगेंगे। ये स्क्रू हम थोड़ी देर में फिट करेंगे। जब हमारे सर्किट बन के रेडी हो जाएंगे तो लास्ट में हम यहाँ पे चार स्क्रू लगा देंगे ताकि ये स्टैंड की तरह बन जाए। इसके बाद हम बोर्ड में पोटेंशियल मीटर और ऑन ऑफ स्विच लगाने के लिए होल करेंगे। होल किस तरीके से करना है देख लीजिए। पोटेंशियल मीटर जो है वो सेंटर में लगाना है और ऑन ऑफ स्विच आप साइड में लगा सकते हैं। पोटेंशियल मीटर सेंटर में लगाने की वजह से इसे ऑपरेट करना काफ़ी ईजी होगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर साइड में हम एक होल कर लेते हैं जहाँ पर हम ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे। ऑन ऑफ स्विच लगाने के बाद हम सेंटर में एक होल कर लेते हैं जहाँ पर हम पोटेंशियल मीटर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये पोटेंशियल मीटर लग गया है सेंटर में। इस तरीके से डायग्राम में दिए गए तरीके से ये सारे कंपोनेंट आपको बोर्ड में लगा देने हैं। वीडियो लेंदी ना हो इसके लिए मैंने ये कंपोनेंट पहले से लगा दिए। आप भी सर्किट के हिसाब से जो डायग्राम दिया गया है इसके हिसाब से आप ये बोर्ड में सारी चीज़ें फिट कर दीजिए। कंपोनेंट फिट होने के बाद, कंपोनेंट बोर्ड में लग जाने के बाद आप इसे सोल्डरिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सोल्डरिंग करते हैं। कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए आप कॉपर का वायर भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके लिए जो भी आसान हो वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपर के वायर यूज़ किए हुए इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो सके। ये हमारा सर्किट बन के रेडी हो गया है। देखिए, इस तरीके से आप कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। स्टैंड बनाने के लिए दोस्तों, जो हमने चार होल किए थे बोर्ड की साइड में, इसमें स्क्रू लगाने हैं ताकि बोर्ड को हाइट मिल जाए और हमारा एक स्टैंड रेडी हो जाए। चलिए दोस्तों, अब हमारे सर्किट बोर्ड को हम चेक करते हैं। जो डीसी मोटर कंट्रोलर हमें बनाया ये हम चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम इसे डीसी मोटर से कनेक्ट करके चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले।